फतेहपुर की बिंदगी तहसील में आज अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह यादव ने थाना कल्याणपुर के दरियापुर गांव के रहने वाले उद्धव प्रसाद जो कि मंद बुद्धि के हैं उनसे 3,70,000 रुपए बीघे के हिसाब से 2 बीघा जमीन लिखाई थी। इसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, आज दाखिल खारिज होना था। जब अधिवक्ता दाखिल खारिज कराने के लिए जा रहे थे उसी समय उद्धव प्रसाद के भाई उसके परिजनों ने दाखिल खारिज कराने जाने पर बीच में रोककर दाखिल खारिज न कराने की बात कही। इस बात को लेकर दोनों गुटों के बीच कहासुनी हो गई। अधिवक्ता ने अपने अन्य साथियों के साथ पीड़ित को पकड़कर अपने बस्ते लाए और मारपीट की। बाद में अधिवक्ता ने ही 100 नंबर पुलिस में सूचित कर पीड़ित को गिरफ्तार कराकर थाने भिजवा दिया। आपका क्या नाम है? महेश प्रसाद। हाँ, उद्धव प्रसाद के कौन है आप? बड़े भाई है। क्या है मामला? मामला ये साहब, ये सुप्पा समझ लो जमीन, लोगों ने गांव के भर भर करके इसको उद्धव करके इसकी खेती समझ लो बेचवा दिया साहब। कितना आप कितना बेचना चाहते थे कि कितना बिक जाए साहब? हमारी रात तनको नहीं थी। इसके एक लड़की एक लड़का इसकी औरत जो कुछ की मरीज है वो भी मोटे दिमाग की था, जिससे ये मोटे दिमाग वो भी मोटे दिमाग की है। इसके बच्चे और लड़कियां साहब मैं पाल रहा हूँ। तो साहब ये चुप्पे आकर के यहाँ बहनाम, जब मुझे मालूम हुआ किसी गांव के द्वारा कि उन्होंने बहनामा कर दिया। तो वकील साहब के साथ मारपीट कर दी क्या आप लोगों ने? नहीं बाबू जी, हमने तो कुछ नहीं किया। समझ हम कहा मारपीट करके लड़की के समझ मरी। तो वकील साहब का तो आरोप है कि मारा पीटा? नहीं साहब, हमने तो ये खाने हमारे खुद वकील साहब ने क्या चल दिया।